लता मंगेशकर जी के निधन के बाद इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। उनके बेहद करीबी रहे पॉपुलर सिंगर और म्यूजिक कंपोजर बप्पी लहरी पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। बता दें आपको, 16 फरवरी की देर रात मुंबई के क्रिटिक केयर हॉस्पिटल में 69 वर्षीय दिग्गज गायक बप्पी लहरी ने अंतिम सांसें ली। गंभीर बीमारी से वह लंबे वक्त से जूझ रहे थे और इस गंभीर बीमारी के चलते वह हॉस्पिटल में तकरीबन 29 दिनों तक एडमिट भी रहे। बप्पी लहरी के गुजर जाने से एक बार फिर से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। सितारे उनके घर अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे बीते कल, वहीं आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस वक्त सितारे सहारा बने हुए हैं बप्पी लहरी के पूरे ही परिवार का, उनकी पत्नी चित्रानी लहरी का, उनकी बेटी रीमा लहरी और उनके बेटे बप्पा लहरी का। इस वक्त परिवार की हालत कैसी है, जैसा कि आप समझ ही सकते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं एक और राज के बारे में जो बप्पी लहरी से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रांशी राठौर आप सभी को बताने जा रही हूँ। रिसेंटली बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने अपने दिल के दर्द को बयां किया है और बप्पी लहरी को लेकर एक खुलासा भी किया है। देखिए ये रिपोर्ट। बॉलीवुड के फेमस सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। बप्पी लहरी के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। 16 फरवरी की देर रात मुंबई के क्रिटिक केयर हॉस्पिटल में 69 वर्षीय बप्पी लहरी ने अंतिम सांसें ली। बता दें आपको, बप्पी लहरी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लिप एपनिया गंभीर बीमारी के चलते इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। इतना ही नहीं, दावा ये भी किया जा रहा है कि कुछ वक्त से उनके लंग्स में दिक्कत थी, जिसके चलते उन्हें गले में इन्फेक्शन भी हो गया था। 29 दिनों तक वह मुंबई के क्रिटिक केयर हॉस्पिटल में एडमिट रहे। 15 फरवरी के दिन उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी किया गया, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा गंभीर हो गई और एक बार फिर से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। बप्पी लहरी 16 फरवरी की देर रात तकरीबन 11:45 पर इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। बप्पी लहरी के निधन से अंदर से बुरी तरह से टूट चुका है उनका पूरा ही परिवार। उनकी पत्नी चित्रानी लहरी, उनके बेटे बप्पा लहरी और बेटी रीमा लहरी के साथ साथ उनकी बहू और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन का हाल बेहद बुरा है। परिवार की हालत काफी ज्यादा दर्द भरी है और इस वक्त उनका सहारा बने हुए हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारे। म्यूजिक इंडस्ट्री की तमाम हस्तियां उनके घर पहुंची उनके अंतिम दर्शन के लिए। वहीं अंतिम संस्कार के बाद भी उनके परिवार को किस तरह से संभालते हुए दिखाई दिए हैं तमाम सेलिब्रिटीज। इसी दौरान देखा जाए तो कई सेलिब्रिटीज अपने दिल के दर्द को बयां करते हुए भी देखे जा रहे हैं। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने अपने दिल के दर्द को बयां किया है। रानी ने बप्पी लहरी के साथ अपने रिश्ते को लेकर खुलासा भी किया है। रानी मुखर्जी ने शोक जाहिर करते हुए कहा है कि वह हमेशा भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे हैं। रानी कहती हैं कि भारत ने फिर से अपना एक कीमती रत्न खो दिया है। बप्पी अंकल भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित संगीत व्यक्ति हैं और हमेशा ही रहेंगे। उनका संगीत पौराणिक था। संगीतकार के रूप में उनकी प्रतिभा बेजोड़ थी। रानी मुखर्जी ने आगे कहा कि बप्पी लहरी का निधन उनके पूरे ही परिवार के लिए एक क्षति है। मेरी माँ और बप्पी अंकल कोलकाता से बचपन के दोस्त हुआ करते थे। ये हमारे परिवार के लिए एक व्यक्तिगत क्षति है। मेरी माँ ने अपने बचपन के दोस्त को खो दिया है। बचपन से मेरे पास जो कुछ भी उनकी यादें हैं उनके बारे में सोचती हूँ। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा और दयालु व्यक्तित्व हमेशा ही याद रहेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि चित्रानी आंटी रेमा लहरी बप्पा पूरे लहरी परिवार को उभरने की शक्ति मिले,
उनकी आत्मा को शांति मिले। इस तरह से रानी मुखर्जी अपने दिल के दर्द को बयां की हैं। बप्पी लहरी का रिश्ता बहुत ही खास रहा है। पूरे ही मुखर्जी परिवार के साथ बप्पी लहरी के अंतिम दर्शन के लिए पहुंची एक्ट्रेस काजोल, अपनी मां दिग्गज अभिनेत्री तनुजा मुखर्जी के साथ, तो वहीं रानी मुखर्जी की बहन शार्वनी मुखर्जी भी बप्पी लहरी के दर्शन के लिए पहुंची। इस तरह से पूरा ही मुखर्जी परिवार बप्पी लहरी के साथ बेहतरीन बॉन्डिंग शेयर करता है और उनके पूरे ही परिवार का सहारा बन चुके हैं। आज सभी ने देखा जाना बप्पी लहरी और रानी मुखर्जी के बारे में। बप्पी लहरी इंडस्ट्री के कई सितारों के साथ बेहतरीन बॉन्ड शेयर किया करते थे और ये सितारे उनके घर पहुंचे उनके अंतिम दर्शन के लिए और इस वक्त वह भी अपने दिल के दर्द को छलकाते हुए देखे जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।